टुडे वी हैव लर्न अबाउट मंथली अटेंडेंस शीट। आज हम लोग मंथली अटेंडेंस शीट किस तरह से एक्सेल में बनाना है वो हम लोग सीखेंगे, किस तरह से उसको क्रिएट करना है मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे, वो हम लोग सारा सेटअप एक्सेल में करेंगे। उसका एक डेमो फाइल हमने बना रखा है जो पहले से मेरे पास रेडी है। यहाँ पे मंथली वाइज सारा डेमो बना हुआ है, मतलब जैन फेब और मार्च का कितना किस एम्प्लॉय का कितना प्रेजेंट और कितना एब्सेंट और कितना उसका टोटल डेज काउंट किया गया, वो सारा का सारा यहाँ पे हमने कर रखा है। सारा कैलकुलेशन वाइज पूरा फॉर्मूला वाइज सारा इसमें यूज़ हुआ है। तो ये सारा कैलकुलेशन और ये सारा अटेंडेंस शीट, मंथली अटेंडेंस शीट किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक नया एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है वो करना ये है कि हम लोग को यहाँ पे टाइप करना है डेट, कोई किसी भी मंथ का, कोई एक सपोज़ जैन का, हम फर्स्ट जैन 2024 हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है। बट यहाँ पे हम क्या करना है, मुझे इसे डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+1। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे कस्टम में आ जाएंगे। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को जाना है, यहाँ पे प्रेस करना है 2D। 2D प्रेस करने का मतलब हुआ 01। यहाँ पे सैम्पल में हम लोग को शो कर रहा है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे ना तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 1, 2, 3 करके ये आएगा। यहाँ पे जब इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी हम लोग का वैल्यू जाता है इसको ड्रैग कर लेंगे। यहाँ हम लोग का जैन जो होता है वो 31 का होता है, वो हमने सेटअप कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का काम करना है वो ये करना है, डेज़ नेम मालूम करना है, मतलब कौन सा ये डेट है और उसका डेज़ क्या होगा वो पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टाइप करना होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन देना है और ब्रैकेट ओपन देने के बाद फिर इस सेल में क्लिक कर लेना है। करने के बाद कॉमा डबल कोट्स 4 टाइम या 3 टाइम हम लोग यहाँ पे डी प्रेस करेंगे। 3 टाइम प्रेस करेंगे तो शॉर्ट में आएगा, 4 टाइम प्रेस करेंगे तो फुल नेम आएगा, मतलब डेज़ का पूरा फुल नेम आएगा। बट हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट में करना है इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 टाइम डी प्रेस करने के बाद डबल कोट्स के अंदर बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ से फिर से इसको पॉइंट पे जाके ऑटो फिल कर लेंगे, यहाँ से ड्रैग करके जहाँ तक भी ये जा रहा है यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। ये करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सेल को ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट कर लेते हैं इसको, पूरा पूरा ओवरऑल सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे या फिर फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विथ कर लेते हैं। ओवरऑल ये ऑटो फिट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, अभी हम लोग को करना ये है कि यहाँ पे हम लोग को 2 सेल सिलेक्शन करना है या फिर यहाँ पे पहले एम्प्लॉय सेटअप कर लेते हैं। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे टाइप कर दिया एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इसको भी ऑटो फिट कर लीजिए डबल क्लिक करके। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम XYZ कुछ भी नेम टाइप कर लीजिए और यहाँ पे आपको करना ये है कि 2 सेल सिलेक्शन करके इसको मर्ज करना है, रैप करना है, सेंटर करना है और यहाँ से टॉप कर देना है, देन यहाँ से बोल्ड कर देना है और ये पॉइंट पे क्लिक करके एटलीस्ट ये टोटल डेज के लिए हो गया, प्रेजेंट, एब्सेंट, कैजुअल लीव, सिक लीव और एक हम लोग यहाँ से ले लेते हैं हाफ डे के लिए। उसके बाद अब हम लोग को ये क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर लेना है टोटल डेज। टोटल डेज के बाद फिर यहाँ पे टाइप करना है प्रेजेंट, एब्सेंट, कैजुअल लीव, सिक लीव और एक्सेल हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं फॉर्मेट पे एंटर करके, इसका नेम दे दिया हाफ डे, ठीक है। ये सारा सेटअप करने के बाद अभी हम लोग को करना क्या है, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग को यहाँ से करना ये है कि यहाँ पे किसी सेल में P, किसी में A, किसी में SD, किसी में PPP, किसी में SL, किसी में CL, PSL, ये आप अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिएगा, ये एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग
जिस एम्प्लॉय का जैसा जो प्रेजेंट एब्सेंट होगा वो सेटअप अप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल ये सारा सेटअप करने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को एक काम करना है, थोड़ा ऊपर गैप ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा गैप बढ़ा लेते हैं, दो और सेल यहाँ से इंसर्ट कर लिया, रो बढ़ा ले दिया। बढ़ा लेने के बाद यहाँ से हम लोग को करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग जस्ट सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अच्छा ये जो हमने एक एम्प्लॉय के लिए किया है और अदर एम्प्लॉय के लिए भी इसी तरह से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, बट अभी शॉर्ट टाइम में हम लोग इसको ऑटो फिल कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सेल को सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसको मर्ज सेल कर देंगे। और मर्ज सेल करने के बाद यहाँ पे हमें मंथ नेम मालूम करना है कि जनवरी 2024 में हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मंथ हम लोग को हेडिंग में सेट करना है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना होगा इक्वल्स टू मैक्स। मैक्स टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन देना है और ब्रैकेट ओपन देने के बाद ये जो सारा सेल है पूरे मंथ का इसको सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे अभी ये मंथ शो कर रहा है, टोटल यहाँ पे डेज शो कर रहा है, तो इसको हम लोग को यहाँ पे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए अगेन यहाँ पे प्रेस करना होगा Ctrl+1। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद कस्टम में आ जाएंगे और कस्टम में आने के बाद फिर से यहाँ पे 4 टाइम M प्रेस कर देंगे। 4 टाइम M प्रेस करने के बाद देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ मंथ नेम आ गया। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इंक्रीज़ करने के बाद इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं और यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अभी यहाँ से इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लिया, बोल्ड करते हैं और उसके बाद इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, किसी भी कलर से हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद इसको ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक पूरा अभी हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर्स कर दिया, यहाँ से इसको सिलेक्शन करके इसको ऑल बॉर्डर्स कर दिया और फिर इसको सिलेक्शन करके इसको ऑल बॉर्डर्स कर दिया। इसको एक इसको यहाँ से सिलेक्शन करके डबल क्लिक करेंगे, वो ऑटो फिट हो गया। अभी यहाँ से इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया। और यहाँ से इसको अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला सेटअप करेंगे। फॉर्मूला सेटअप करने के लिए हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टोटल डेज मालूम करने के लिए हम लोग को यहाँ पे टाइप करना है इक्वल्स टू काउंट और साथ में लगा देंगे ए, ए फॉर अल्फाबेट्स। जब हमें किसी नंबर को काउंट करना होता है तो ओनली काउंट का हम लोग यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग टेक्स्ट को अगर काउंट कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग को ए लगाना होता है काउंट के साथ। तो काउंट ए टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन और उस देन यहाँ से यहाँ तक पूरा ओवरऑल सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे, सबका डेज मालूम हो गया। प्रेजेंट मालूम करना है इक्वल्स टू काउंट और साथ में लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, उस ओवरऑल सेल यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं एम्प्लॉय का, देन कॉमा डबल कोट्स ए, ए फॉर एब्सेंट। अब पूरे मंथ में कितना एब्सेंट हुआ है वो मालूम हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट देखना था तो यहाँ पे पी लगा देंगे, पी लगा देंगे, पी फॉर प्रेजेंट। एब्सेंट के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ होगा इक्वल्स टू काउंट, साथ में लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन देंगे, देन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इक्वल्स टू मस्ट है, इक्वल्स टू देना होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, देन कॉमा डबल कोट्स ए ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हो गया एब्सेंट।
कैजुअल लीव मालूम करना है इक्वल्स टू काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन देन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद फिर कॉमा डबल कोट्स सी एल ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसी तरह से सिक लीव काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन देन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है कॉमा डबल कोट्स एस एल। इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन देन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है कॉमा डबल कोट्स एस डी। तो ये हुआ पर्टिकुलर एक मंथ का, सिर्फ जैन का हमने यहाँ पे मालूम किया। अभी सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल पूरा पूरा सिलेक्शन करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके होल्ड करेंगे और इसको मूव कर लेंगे, या फिर यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं और अदर प्लेस में जाके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओवरऑल पेस्ट हो गया, बट हमें यहाँ पे फेब का मालूम करना है। तो फेब मालूम करने के लिए बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इक्वल्स टू लगाएंगे और इस सेल पे क्लिक करेंगे। जैन के मंथ का लास्ट डेट जो होगा 31st, उस पर क्लिक किया प्लस वन। प्लस वन देने का मतलब हो गया जैसे ही एंटर करेंगे ना यहाँ से जैन से फेब हो जाएगा। बट इसको ऑटोफिल करने के लिए हम लोग को और इसमें इसके साथ क्या करना है, फर्स्ट वाला जो हम लोग का सेल है, कौन सा सेल है, ये सेल है हम लोग का B13। B13 को हम लोग फिर प्लस वन कर देंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके पॉइंट पे जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। आई थिंक हम लोग का फेब जो होता है वो 29 का होता है, तो ये दो सेल जो आ रहा है एक्स्ट्रा, इसको हम लोग सिलेक्शन करके यहाँ से क्लियर कर देते हैं। क्लियर ऑल, ओवरऑल सेटअप हो गया। सेम टू सेम फिर थर्ड लाइन हम लोग को बनाना है, फिर से इसको सिलेक्शन करेंगे और फिर से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं या फिर यहाँ से कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। अब यहाँ पे मंथ चेंज करना है, तो मंथ चेंज करने के लिए फिर से हम लोग को इक्वल्स टू देना है। अब हम लोग का लास्ट मंथ क्या था, फेब था, फेब का लास्ट डेट क्या था, 29 प्लस वन एंटर। उसके बाद इसके साथ इसको ऑटोफिल करना है, इसलिए फिर इसको इसके साथ प्लस करना होगा, इक्वल्स टू लगाएंगे। ये कौन सा सेल है, ये 20 और ये बी 20 प्लस वन एंटर। फिर इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ऑटोफिल कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ से क्या करना है, ये तो सारा काम हो गया, मंथ वाइज पूरा सेटअप हो गया। इस तरह हम लोग वो पूरा पूरा वन ईयर का भी पूरा मालूम कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्वार्टरली पता कर रहे हैं, जैन फेब और मार्च का सिर्फ हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए तीन मंथ का ही हमने यहाँ पे सेटअप कर रखा है। और ये आप अपने हिसाब से अपने भी आप जैसे जिस तरह से अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का होगा आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप चेंज करेंगे इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला और ये सेटअप करने का। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि यहाँ पे ओवरऑल क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ संडे है उसका कलर हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ दिखेगा टेक्स्ट डैट कंटेंट्स, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग टाइप करेंगे SUN संडे। संडे टाइप करने के बाद इसको यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फील्ड में जाके इसको रेड कर देते हैं और फॉन्ट कलर इसका बोल्ड करके यहाँ से वाइट कर देते हैं। देन यहाँ से ओके करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। अगेन फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हाईलाइट सेल में, टेक्स्ट डैट कंटेंट सैटरडे। सैटरडे जहाँ जहाँ होगा उसको वो क्या करेगा, उसको वो यहाँ से ग्रीन करेगा, फील कलर को ग्रीन करेगा और फॉन्ट कलर बोल्ड करके उसको वाइट कर देगा। देन यहाँ से ओके करेंगे, ओके, ये हम लोग का सेटअप हो गया। तो इस तरह से हम लोग अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको और भी थोड़ा सिलेक्शन करके यहाँ से फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कर दीजिए और भी थोड़ा स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ओवरऑल यहाँ पे जाके हम लोग सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके यहाँ से मर्ज सेल कर देंगे
और यहाँ पे साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करके रैप करेंगे, बोल्ड करेंगे। यहाँ से वर्ड आर्ट में जाएंगे, इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग हेडिंग टाइप कर देते हैं। हेडिंग में यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग में हम लोग को यहाँ से करना है अटेंडेंस शीट, मंथली अटेंडेंस शीट। मंथली अटेंडेंस शीट के लिए यहाँ पे हम लोग को मंथली अटेंडेंस शीट देना होगा। वो टाइप करने के बाद इसको मूव कर लेंगे ऊपर। मूव करने के बाद थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट कलर कर दिया। तो इस तरह से हमारा मंथली अटेंडेंस शीट रेडी हो गया। तो ये था हमारा किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी कंपनी का मंथली अटेंडेंस शीट, इस तरह से हम लोग रेडी कर सकते हैं। डैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।